अभी थ्री पे आइस खोलना, 1 2 3। हाँ दू, मॉल ये लेने गया था तुम्हारे लिए। दर्द होगा, तुम्हारी चीखें सुनने के लिए भी कोई नहीं होगा आसपास। जो तकलीफ तुमने मेरे परिवार को दी है ना, अब उसका एहसास तुम करोगे। तुम अंदर हमारी कैद में हो और अब तुम्हारी माँ भी इस घर के बाहर है। वक्त आ गया नेक्स्ट स्टेप का। तुम्हें अब पता चलेगा कि हमने क्या क्या सहा है। एक बार तू खोल दे, फिर दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। आ गया, खोल, हमें वरना अच्छा नहीं होगा। खोल खोल। तो बड़ी जानी पहचानी सी तस्वीरें लग रही हैं। बहुत हो गया बोटिंग वोटिंग, खड़ी हो जाओ, फोटो खींचेंगे तुम्हारी। रोज मारो। ये तो वो जगह है जहां चारों गए थे। क्या हो रहा है? जने अड़ाई टंग लुट गई हो दी शान, बेबे जो चिल्लाई उसकी कट गई होती जवान। होए होए, और ये वाला परफ्यूम भी मेरा। नहीं नहीं, ये वाला परफ्यूम भी हमारा है, ये वाला भी हमारा, और ये भी। साबा, माँ भी आपकी है। नहीं, माँ भी आप ही की है ना भाई, तो आपने उन्हें ऐसे घर से बाहर क्यों भेज दिया भाई? वो खुद गई है। का जरूरत थी हमें तमाशा करने की? जानते हैं कि रिवाज कितना जिद्दी हो, क्या करें? भाई प्लीज प्लीज उन्हें वापस ले आइए। आपको मयूरा से शादी करनी है ना भाई? एक बात सोच के देखिए, माँ को घर से बाहर निकालने के बाद आप अपने बॉडीगार्ड से शादी करोगे, इसका आपके फैंस पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? उन्हें तो यही लगेगा ना कि बहू घर में आ गई और माँ को घर से बाहर निकाल दिया। इसका ब्लेम आप पे नहीं भाई, मयूरा पर आएगा।
और आप तो जानती हैं मीडिया का कोई भरोसा नहीं। भाई प्लीज प्लीज उन्हें वापस ले आइए। अरे हम डूब रहे हैं। ए अम्मा ओशन अंदर आना है। ए, चलो बताओ मयूरा को अपनी बहू बनाओगी कि नहीं? हाँ बनाएंगे ना बनाएंगे। ओ काहे ना बेटा, ऊपर वाले ने तुम्हारी और मयूरा की जोड़ी बनाई हो। हाँ उसे तोड़ने वाले हम कौन हो? अब काहे ना पहले ना हमारे में अक्कल कम थी, अब इतने घंटे बाहर बैठे रहने से मन का कचरा बाहर और ज्ञान अंदर। हाँ शाबाश फूट ले। हाँ, बहुरिया तो बेबे तो बिल्कुल मेरी तरह नौटंकी है यार। माँ मयूर रखी था। हाँ हाँ अरे कोई बताएगा मयूरा के था? हम उसे खुद ही बताएंगे कि कितना गलत समझ बैठे थे उसे। कोई कछु बोलेगा कि मयूरा के था? पानी कम हो रहा है, बच गए वे। अगर वो सच में मयूर थी हमें सिर्फ लगी, अगर वो सच में मयूर थी तो ऐसा क्यों कर रही है? ये तो बस शुरुआत है मिस्टर रिवाज। अब तो तुम्हें हर उस तकलीफ से गुजरना है जो तुमने मेरी रुको दी, मेरे राघव और मुझे दी है। 10 दिन बाद तुम्हारी मूवी रिलीज हो रही है ना, 10 दिन बाद तुम्हारी असलियत सबके सामने आएगी। तब तक हर दिन तुम हर उस दर्द से गुजरोगे, हर उस तकलीफ से गुजरोगे जो तुमने मेरे परिवार को दिया है। काउंटडाउन बिगिंस मिस्टर रिवाज सोदिया। तू इत्थे की कर रही है? तेरे को सारे बाहर ढूंढ रहे। ओ तेरे को शक्ल देखनी चाहिए थी बेबे की, जब मैंने उसको अंदर लेके आया ना वापस। ओ माय गॉड। और एक और बात बताऊं, अब तू बेबे को मिली ना उसने तो तेरी आरती उतारनी है। व्हाट नॉनसेंस। नॉनसेंस नहीं है, प्लान्स में थोड़े चेंज हो गए, लाना पड़ गया अंदर। क्या हो गया यार? ताशी ने ना बड़े सॉलिड लॉजिक दी गल की, पर तू फिक्र ना कर, उससे तेरा फायदा ही है। तुम ना मेरे फायदे के लिए सोचना बंद करो और बिना मुझसे पूछे मेरे प्लान्स बदलना। तो अब जट तुझसे पूछ कर बता कर फिर कुछ करेगा है? तू इधर की करने आई है 10 मिनट की? क्या क्या किया तूने रिवाज के साथ? रिवाज के साथ मैं जो भी करूँ ना वो मेरी मर्जी, none of your business।
रहन दे मकोड़ा, ऐसे थोड़ी ना होता है। देख तेरे को मेरे बारे में सब कुछ पता है, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर प्लान्स क्या है सब कुछ। मैनू तेरे बारे में की पता? कुछ भी नहीं, सब कुछ छुपा रखा तूने। इतने टाइम से पूछ रहा हूँ कौन है, कहाँ से आई है, क्या हुआ तेरे साथ, क्या करना चाहती है, कुछ दस्या ही नहीं। और किसी दिन अगर तू अपना मतलब निकाल के निकल गई तो मैं तो फंस जाऊंगा ना इधर, तेरा जो सब किया धरा सब मेरे सर। मेरे को पता है कल को तेरे को मौका मिलेगा ना, तू मेरे को डबल क्रॉस करके फुर्र। और तुम नहीं करोगे डबल क्रॉस? मैं क्यों करूंगा? क्यों, तुम्हें मौका मिलेगा तो नहीं निकालोगे? आफ्टर ऑल खून तो रिवाज का ही है ना। और चालबाजी फितरत में। ओए ओ तेरी बैंगन दा परता, इन्हें ना चढ़ता स्वैग दिखाना पड़ेगा। ला फड़ ले इसनू भी फड़ ले। अरे भांजे जी, क्या कर रहे हो तुम? ओ सुन, मैं तेनू नहीं छोड़ने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मयूर के चक्कर में पिटाई होती है, कुटाई। रुको रुको, एक सेकंड काट रहे। रुक रुक, तुम ठीक हो? उठो उठो उठो। तूने तो कहा था कि हाथ नहीं लाना, तो नहीं ला रहा। रस्सी ला के ले फट। देख सब देख रहे हैं। स्माइल बत्तीसी दिखा, छेती कर, स्माइल स्माइल। यार मैंने ना परिवार वाले बड़े पसंद ने यार, जिन्नी बारी दिखते हैं ना उन्नी बारी तेनी टप्पी पाण दा मौका मिल जाता है। तुम बाद में मिलो, तुम्हें बताती हूँ। बाद में जट नहीं आना हाथ जट फुर। छोड़ो, मैं नहीं छड़ांगा। प्लीज बोल, प्लीज बोल, प्लीज। हाय हाय हाय, तूने बड़ी क्यूट लगती है। ओ तोड़ी पैंगन दा परता, मूर्खों की फौज। पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, फूट लाओ। रुक चल। अरे बहन, लोगों को सीढ़ियों पे गिरते पड़ते हुए देखा है, लेकिन ऐसा बचाओ तो गजब है। ये ची मोड़ी ना, पक्का चुड़ैल हो। हस्तापुर, भांजे जी कहीं से भी सुन लेंगे। हमारे कहने का मतलब है कि वो मयूरा सुशील है। काबुला जोर से। अरे मयूरा, हमारी होने वाली बहुरिया कितनी सुशील हो। ब्लडी मयूरा, छोड़ ही मैं तुम्हें। अरे रे रे रे। अरे क्रेजी, पागल हो गई तुम? पेटी लेके कम ऑन। भैया जी ने देख लिया। रुक गया, मुझे किसी की परवाह नहीं है। जब भी उस मयूरा को रिवाज के साथ देखती हूँ ना, मेरा खून खौल उठता है। I understand. लेकिन एक तरीका थोड़ी ना चीजें तोड़ने का। मयूर ने मुझे भी हर्ट किया ना। सी देखो, कुत्ते से कटवाया। Are you mad? तुम मेरी पेन से खुद के पेन को कंपेयर कर रहे हो? You stupid! Shut up! पागल हो गया तुम? बैठो यहाँ पे। मैं ऑइंटमेंट लेके आया, ठीक है? इस घर की पेंटिंग भी मेरी दुश्मन है, मुझसे मेरी ब्यूटी छीनना चाहती है। रिवाज भी तो मयूरा की ब्यूटी पे फायदा है ना, अगर हम उससे उसकी ब्यूटी छीन ले तो तब तो उसको मेरी बात सुननी पड़ेगी ना।
सॉरी बेबी, मैं आपकी मम्मा को नहीं ढूंढ पाई, पर बहुत जल्द मिल जाएंगी, प्रॉमिस। जिस ब्यूटी की बेसिस पे तुमने रिवाज को ट्रैप किया है ना, आज मैं वही फिनिश कर दूंगी, और उसके बाद रिवाज सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। मैडम मैं जाकर देखता हूँ। काका रहने ही दो, ऐसी हवा से गिर गया होगा, आप काम खत्म कर लीजिए। ठीक है। योर टाइम इज अप। तू ठीक है? मामा जी। पता नहीं किसने कुछ फेंका, काका को लग गई। तू ठीक है? अरे ये कैसे हो गया? किसी ने कुछ गिरा दिया मामा जी। मनोज छोटू खुद को शिंगा लगा लगा शॉक चला तुझे। मामा जी आप देख नहीं रहे हो, उसने पूरी तरीके से लगा। कोई अपने आप को जानबूझकर चोट क्यों पहुंचाएगा? ले 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 पानी पी। मतलब टारगेट मैं थी। हाँ कोई नहीं, ओए ले जा इन्हें, ले जा, चल 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 चल। वो तू बैं मैं देख के आना। बेबी केशा कहाँ है? कहीं उसका काम तो नहीं? ओए कैसे भाई ये सब? ओ सॉरी पता नहीं। ओ तूने किसी को तो देखा होगा? नहीं। ओ यार ये तो ना फिल्मों से भी ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है। अरे बात कर नहीं सकता वो सीक्रेट रूम में, बेबे की इतनी हिम्मत नहीं है। तो फिर कौन कर गया? आई थिंक मैं जानती हूँ। ओए चुटी, अभी तो तूने कहा था तूने किसी को नहीं देखा। देखा नहीं पर शायद मैं जानती हूँ कि कौन कर सकता है। कौन कर सकता है? केशा। ओ वो क्यों करेगी? जब मैं चिल्लाई तो सब बाहर आए, सिर्फ केशा नहीं आई। मेरी बात सुनो, तुम आज केशा को उस घर से बाहर निकालोगे। मैं तो फुटबॉल का चैंपियन हूँ, एक एक करके सबको बाहर फेंकता रहूँ, है ना? तो मजाक कर रही। और वैसे भी तेरे एक शक के चक्कर में मैं उस केशा को बाहर नहीं निकालने वाला, कोई बात होती है? बात है इसीलिए बोल रही हूँ। सुनो ये मेरी प्लानिंग है, चुपचाप जो कह रही हूँ वो करो। अगर जीतना चाहते हो ना जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। ओके सही, इकलौती इंसान है जो मयूरा की असलियत पता कर सकती है। आखिर मैं अभी तो जानूँ कि मयूरा है कौन और रिवाज से क्यों बदला लेना चाहती है।